हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.1, 4.1, 5.1 और या फिर 7.1 क्या होता है और ये कैसे काम करता है और आपके लिए कौन सा सही होगा। आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, कैसे काम करता है और क्या क्या चीज यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो पहले बात करते हैं 2.1। तो 2.1 हमारा काफी पुराना है, वो सिर्फ लेफ्ट और राइट पर काम करता है। यहाँ पे कोई सराउंड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको स्टीरियो इफेक्ट मिल जाएगा। 2.1 मतलब दो स्पीकर हमारा लेफ्ट और राइट के लिए और एक यूनिट हमारा जो उसका 0.1 जो है वो सब ऊपर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे दो यूनिट मिलेगा जो कि हमारा लाउड वॉइस और उसके साथ ट्रेवल मिलेगा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, और लो फ्रिक्वेंसी के लिए एक यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल साउंड थोड़ा सा कम होता है क्योंकि 2.1 ज्यादातर छोटा होता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद बारी आई 4.1। तो 4.1 और 2.1 में खास फर्क नहीं होता, सेमी सर्किट होता है, लेकिन यहाँ पे दो और एम्पलीफायर जोड़ दिया जाता है और वहाँ से दो आउटपुट और ले लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो साउंड का इफेक्ट है वो वैसा ही रहता है। उसके बाद हमारा आया सराउंड साउंड का 5.1। तो 5.1 हमारा एक सेंटर होता है और बाकी लेफ्ट और राइट और लेफ्ट सराउंड राइट सराउंड करके होता है। तो लेफ्ट और राइट ये तो हमारा जैसा लेफ्ट और राइट के लिए काम करता है वैसा ही काम करेगा, लेकिन सेंटर वाला जो हिस्सा है ये जो 5.1 होता है इसके लिए अलग से आपको साउंड मिलता है, मतलब अलग फॉर्मेट का साउंड मिलता है जहाँ पे आपको 5.1 का सपोर्ट मिलता है। तो आपका अगर कोई 5.1 म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर अगर 5.1 का कोई ऑडियो प्लेबैक का सिस्टम है तभी आप यहाँ पे 5.1 रियलिटी में पा सकते हो। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी ब्रांड है जो आपको 5.1 तो दे देता है लेकिन वहाँ पे साउंड प्रोसेसिंग के लिए वो वहाँ पे हार्डवेयर नहीं होता। तो इस केस में आपको 5.1 स्पीकर तो चल जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको इफेक्ट वो वाला नहीं मिलेगा। 5.1 में नॉर्मली आपको सराउंड जैसा साउंड मिलेगा, लेकिन आपका अगर हार्डवेयर पे वो सपोर्ट नहीं है, मतलब 5.1 अलग टाइप का म्यूजिक होता है, आप जो नॉर्मल गाने सुनते हो उसके अंदर 5.1 का कोई सपोर्ट नहीं होता। 5.1 ज्यादातर हमारा मूवीज में होता है, तो 5.1 का अलग सॉन्ग होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो आप गाने MP3 पर सुनते हो उसके अंदर 5.1 नहीं होता। तो रियलिटी में वो अगर चलेगा, अगर आप उस 5.1 डिवाइस पर चलाओगे तो वो आपका सेंटर वाला हिस्सा नहीं चलेगा। अगर आप उसको फोर्सली चलाओगे तो वो तो चल तो जाएगा लेकिन वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा, सिर्फ आपका स्पीकर लेफ्ट और राइट सेंटर वाला चलेगा, ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो उसके बाद बारी आते 7.1। तो 7.1 क्या होता है, यहाँ पे सातों आपको लाउड वॉइस और हमारा हाई टोन के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारा 5.1 में था सराउंड साउंड, लेकिन हमारे यहाँ पे 3D साउंड। तो ये नॉर्मली हमारे डिजिटल साउंड के अंदर काम करता है, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी 7.1 साउंड चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिजिटल इनपुट देना होगा, तब यहाँ पे 7.1 साउंड सुन सकते हैं। तो ये ज्यादातर आपको सॉन्ग में देखने को नहीं मिलेगा, ये मूवीज एक्सपीरियंस के लिए काफी बढ़िया है, आपको 3D एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप अगर मूवीज देखना पसंद करते हो तो आपके लिए 7.1 काफी अच्छा चीज होगा, लेकिन आप अगर सॉन्ग ही सिर्फ सुनना चाहते हो तो आपके लिए 5.1 तक ही ठीक रहेगा, क्योंकि 7.1 और जो 5.1 होता है उसके अंदर प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। 7.1 ज्यादातर हमारा बड़ा म्यूजिक सिस्टम के अंदर आता है, 5.1 हमारा छोटा में भी आ जाता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 5.1 मतलब कम साउंड, 7.1 मतलब ज्यादा साउंड, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप 4.1 पे भी और 5.1 पे भी ज्यादा साउंड पा सकते, इवन आप 2.1 पे भी ज्यादा साउंड पा सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डिपेंड करता है इसका वाटेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे 7.1 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा साउंड मिलेगा, इस पे आपको ज्यादा साउंड इफेक्ट जो होता है वो अच्छा मिलेगा, ज्यादा आपको साउंड का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। वो रियलिटी में आप वहाँ पे अगर मिडिल पर बैठे रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी मिडिल से, इवन आपको सीलिंग पे भी कुछ आपको स्पीकर मिल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग 7.1.4 हो सकता है, 7.1.2 हो सकता है। तो 2 जो डिजिट होता है हमारा सीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको रियलिटी में 3D इफेक्ट मिलेगा। अब अगर मूवीज देखना पसंद करते हो वहाँ पे आपको
जितना भी वहाँ पे पर्सन बात करेगा तो अलग अलग एंगल से आपको साउंड सुनाई देगा। इवन आप अगर मैच देखते हो तो उस पर भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस इनहेंस होगा, ना कि यहाँ पे साउंड ज्यादा मिलेगा। साउंड आपको अगर कम वाट का हुआ तो वहाँ पे आपको कम ही साउंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो साउंड प्रोसेसिंग के लिए चीज होता है उसका ही ज्यादा यहाँ पे प्राइस है, ना कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का। मतलब आउटपुट जो साउंड का वाट है उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग नहीं होता है। यहाँ पे साउंड प्रोसेसिंग यहाँ पे पूरा डिजिटली काम होता है, तो यहाँ पे साउंड प्रोसेसिंग के लिए काफी ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा सही होगा। अगर म्यूजिक लवर हो तो 5.1 तक की ठीक है, लेकिन आप अगर मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो तो ये ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज पे सपोर्टेड होता है, नॉर्मल बॉलीवुड मूवी में ये सपोर्टेड नहीं होता। तो आप अगर हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए 7.1 काफी अच्छा होगा, लेकिन प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ये अगर 10,000 में मिलेगा तो वो चीज लगभग 50,000 से 60,000 में मिल जाएगा, तो इतना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस होता है 5.2 7.1 में। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए कौन सा सही होगा और क्या आप पसंद करते हो सुनना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।